सेकेंड क्वेश्चन सेज विच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीट वे फंक्शन ऑन साइ फोर टू जीरो मतलब हमें फोर टू जीरो हमें कंपेयर करना है जब मैं ये लिखू सा रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा हमारा वे फंक्शन का दैट मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है दैट इज फॉर एन जो सेकेंड वैल्यू है वो बताता है हमें एल के बारे में दैट इज कौन सा सबसेल है एन बताता है कौन सा शेल है या कौन सा ऑर्बिट है एल बताएगा कौन सा सब शेल है और एम क्या बताएगा हमें कौन सा ऑर्बिटल है ठीक है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ एन का वैल्यू कितना है फोर एल का वैल्यू कितना है टू एम का वैल्यू कितना है जीरो तो दैट मीन्स ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं फोर डी अब एम का वैल्यू जीरो है तो जेड स्क्वायर ठीक है ऑल दो एम का वैल्यू अदर और ऑर्बिटल्स के लिए फिक्स नहीं है बट जीरो वाला हम कहते हैं जो भी जेड एक्सिस के अला होगा उसको हम एम का वैल्यू जीरो जीरो असाइन कर देते हैं ठीक है तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास फोर डी तो श्योर है हम ऑप्शन में एक ही है फोर डी का जेड स्क्वायर ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन